हलचल टीवी न्यूज। टोहाना के सीआईए पुलिस ने गश्त के दौरान एक झोला छाप डॉक्टर को नशे की हजारों गोलियों सहित गिरफ्तार किया है, जिसे न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा, जिसके साथ पूछताछ भी की जाएगी। जानकारी के अनुसार सीआईए स्टाफ की टीम में एसआई गुरनाम सिंह व एएसआई कृष्ण के नेतृत्व में पुरानी तहसील के सामने गली में गश्त कर रही थी। उसी समय आरोपी भाटिया नगर निवासी संदीप भाटिया हाथ में थैला लेकर जा रहा था कि पुलिस ने उसे पूछताछ के लिए रोका, लेकिन वह तेज कदमों से गली की ओर मुड़ने लगा। पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए उसे दबोच लिया तथा उसके थैले की जांच की तो उसमें से नशे की गोलियों का जखीरा बरामद हुआ है। इन्फॉर्मेशन मिली थी कि नशीले इंजेक्शन दवाइयाँ बेचने का धंधा करता है। गुप्त सूचना के विशेष स्टाफ ने इसको गिरफ्तार किया, आज कोर्ट में पेश करेंगे। तो कितना सामान मिला नशीला, कितना सामान मिला? टोटल 20,500 गोलियाँ, 120 इंजेक्शन, 6 एक्सकोपी शीशे हैं। नशे की दवाइयाँ? तो क्या धारा लगती है? वहीं आरोपी के खिलाफ एनडीपीटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। बताया गया कि आरोपी गली में ही नजदीक क्लिनिक भी चलाता है, जो बिना लाइसेंस के चलाया जा रहा है। टोहाना से हलचल टीवी के लिए सुशील कुमार की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हलचल टीवी न्यूज़।